ये कहानी है गोपाल की, जो पढ़ाई तो करना चाहता है पर उसकी मजबूरी के कारण उसको एक शहर में जाकर नौकरी करनी पड़ती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गोपाल अपने गांव से शहर आया, उसको एक कंपनी में चाय बनाने की नौकरी मिल गई। एक दिन गोपाल अपने काम से फ्री होकर कंप्यूटर पर बैठा हुआ था, तभी उसको देखकर उसके बॉस ने कहा, अरे गोपाल क्या कर रहा है तू यहाँ पे? अरे सर कुछ नहीं, बस थोड़ी स्टडी कर रहा था। अरे गोपाल ये तेरा स्टडी करने का कंप्यूटर नहीं है बेटा, ये ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए है, चल उठ और चाय बना के ला एक बढ़िया सी। और बेचारा वो वहाँ से उठकर चाय बनाने चला गया। फिर कुछ दिन बाद गोपाल अपने बॉस के पास जाकर बोला, सर इस महीने मुझे सैलरी जल्दी मिल जाएगी क्या? क्यों क्यों चाहिए तुझे सैलरी जल्दी, अभी पिछले महीने तो दी थी तुझे मैंने। वो सर मुझे एग्जाम फीस भरनी थी इसलिए चाहिए थी। क्या करेगा एग्जाम फीस भर के, अच्छी खासी नौकरी कर तो रहा है तू चाय बनाने की, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है पढ़ने लिखने में, जा बढ़िया सी एक चाय बना करके ला मेरे लिए। गोपाल उदास होकर वहां से चला गया। अब गोपाल जैसे तैसे कुछ पैसों का जुगाड़ करके अपनी फीस जमा कर देता है और अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाता है। अब कुछ दिन बाद गोपाल मिठाई लेकर बॉस के केबिन में पहुंचता है, तब बॉस ने पूछा, क्या हुआ? सर मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, उसी की मिठाई लेकर आया हूँ। अरे वाह छोटू तूने तो कमाल कर दिया, मैं तो तेरे को ऐसे ही चाय बनाने वाला समझता था, तू तो छुपा हुआ रुस्तम निकला रे, वाह बेटा मुझे गर्व है तुझ पे। इसीलिए दोस्तों मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।